बड़ी खबर सामने आई है राज कुंद्रा को लेकर। भाई जो ये कारोबार चला रहे थे, किस तरह से ये इस डर्टी पिक्चर को बना रहे थे और किस तरह से उसको बेच रहे थे और कैसे प्लानिंग करते थे, किस तरह से इसकी डायरेक्शन होती थी, सारी खबरें एक एक कर कर अब सामने आती जा रही हैं। एक बड़ा ईमेल लीक हो गया है राज कुंद्रा का और क्या जानकारी मिली है उस ईमेल के जरिए आपको बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। भाई राज कुंद्रा जो डर्टी पिक्चर बना रहे थे, उन्होंने उस मेकिंग का ना, इस फिल्म की मेकिंग का पूरा कानून बना रखा था कि किस तरह से शूट होना है, किस तरह से इस प्रोजेक्ट को बनाना है। प्रोजेक्ट का नाम तो सुनिए, ख्वाब। जी हाँ, राज कुंद्रा ने अश्लील फिल्मों के इस कारोबार को, एक प्रोजेक्ट को नाम दिया था ख्वाब। अब अगर 19 जुलाई पर मैं जाती हूं तो 19 जुलाई को जब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया, ये बात होगी करीब 9 बजे की, और उस समय ये भाईकला के दफ्तर पहुंचे। 2 घंटे तक इनके साथ पूछताछ चली और 11 बजे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद अब पुलिस ने इनकी जो कस्टडी है वो और ज्यादा मांगी है। इनकी जमानत की अर्जी मैं आपको बता दूं खारिज हो गई है और 27 जुलाई तक ये अब पुलिस की कस्टडी में ही रहेंगे। और कैमरा एंगल की डिटेल्स भी जो है वो इनकी इस मेल में सामने आई है। हॉटशॉट के जो कंटेंट हेड है उनकी ओर से 14 अगस्त 2020 की शाम को 5:25 पर पारस रंधावा और ज्योति ठाकुर नाम के 2 लोगों को एक ईमेल भेजा गया था। इसमें प्रोजेक्ट ख्वाब को लेकर बड़े ही तरीके से इन्होंने पूरी की पूरी जानकारी दी। शूटिंग कैसे होगी, कैमरा किस एंगल पर रहेगा, एक्ट्रेस का प्रोफाइल कैसा होगा, लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले आर्टिस्ट को कैसे ज्यादा से ज्यादा दिखा सके। आपको बता दें कि जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है ऐसी चीजों की, उनमें काफी ज्यादा कमाई होती है और यही वजह है कि राज कुंद्रा और पैसा कमाने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग का रुख करने वाले थे। खैर, इसके अलावा डिटेल ये भी थी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जाए और क्या कुछ ना किया जाए। पूरी प्लानिंग के साथ, जैसे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं हम, एक कंपनी बनाते हैं, उस तरह से राज कुंद्रा दिन रात इस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे। लेकिन फिलहाल तो वो भाई 27 जुलाई तक पुलिस के प्रोजेक्ट में है और पुलिस जमकर उनके ऊपर डंडे बरसा रही है जिससे उनसे नाम उगलवाए जा सके और इस पूरे रैकेट का भांडाफोड़ हो सके। आप अपना रिएक्शन मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और मैं आराधना आपको पल पल की खबर देसी पटाखा पर ऐसे ही देती रहूंगी। आप मेरे साथ बने रहें।